नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भिंड में अब कानून का राज है और विकास की बयार बह रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान कल्याण योजना के 816 करोड़ रुपए 80 लाख से अधिक किसानों को सिंगल क्लिक से किए अंतरित। 25 लाख से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना के 775 करोड़ रुपए अंतरित। 193 करोड़ 35 लाख की लागत के 68 विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने की नयागांव में महाविद्यालय, गौरी सरोवर के कायाकल्प, नेहगांव को नगर पंचायत बनाने, भिंड में कृषि संकाय आरंभ करने और इटावा भिंड मार्ग निर्माण की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड में किसान एवं सहकारिता सम्मेलन में 80 लाख से अधिक किसानों को किसान कल्याण योजना के 1816 करोड़ रुपए और 25 लाख से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना खरीफ 2023 के 755 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 193 करोड़ 35 लाख रुपए के 68 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नयागांव में महाविद्यालय आरंभ करने, गौरी सरोवर तालाब का विकास कर उसका संपूर्ण कायाकल्प करने, नेहगांव को नगर पंचायत बनाने, भिंड के महाविद्यालय में कृषि संकाय आरंभ करने, इटावा से भिंड मार्ग निर्माण और लेलवारी पुल निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के जन आभार यात्रा के बाद सम्मेलन स्थल पहुँचने पर जनप्रतिनिधियों द्वारा भव्य स्वागत किया, स्मृति चिन्ह तथा अभिनंदन पत्र भेंट कर उनका अभिवादन किया गया। डॉक्टर यादव ने मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, सांसद श्रीमती संध्या राय विशेष रूप से उपस्थित थीं। चंबल की धरती में देश के दुश्मनों को उनकी सीमा में रखने का साहस और सामर्थ्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भिंड रथी महारथी और वीरों की धरती है। यहाँ के युवा भारत माता को गौरवान्वित करते रहे हैं। चंबल की धरती में देश के दुश्मनों को उनकी सीमा में रखने का साहस और सामर्थ्य है। भिंड में विराजमान वनखंडेश्वर महादेव और ददरौआ के डॉक्टर हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि भिंड की पहचान बिहनों और डकैतों से थी। हमारी सरकार के प्रयासों से भिंड में अब कानून का राज है और विकास की बयार बह रही है। राज्य सरकार चंबलवासियों के जीवन को सरल बनाने के लिए सभी दिशाओं में प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं से न केवल लोगों की प्रगति और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है, अपितु देश का मान सम्मान भी विश्व में बढ़ा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जन जन के मन में है। उन्होंने वसुधैव कुटुम्बकम के सांस्कृतिक भाव को जागृत किया है। कोविड के कठिन काल में सभी देशवासियों को सुरक्षा देने के साथ ही प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर विश्व की 100 से अधिक देशों को कोविड की वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। उन्होंने देश के 22 करोड़ जरूरतमंद लोगों को पक्के आवास उपलब्ध कराए हैं। भिंड और मेहगांव में संयुक्त तहसील कार्यालय, दंद्रवा में बिजली उपकेंद्र तथा जाखोरी और शेरपुर में हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल लोकार्पित। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 193 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से आज हुए 68 विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण के अंतर्गत पर्याया, मोरा, अखोसर और नरसिंहगढ़ में जल जीवन मिशन के पेयजल कार्यों, 45 गांवों में नल जल योजना के कार्यों, भिंड जेल में निर्माण कार्य सहित अन्य 50 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने लहार, गोरमी, आलमपुरैया और दबोह में जल प्रदाय योजना, भिंड और मेहगांव में संयुक्त तहसील कार्यालय, आलमपुर भगवापुरा मार्ग में सोन नदी पर पुल और गौरपुर, मैंदा, कुरथत, भामपर और शाहपुरा में जल जीवन मिशन के कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सेवरा से कनवार और जामना से मानपुरा सड़क मार्ग, दंद्रवा में बिजली उपकेंद्र, जाखोरी और शेरपुर में हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल तथा अटैर में अर्ध शहरी थाने का लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विभिन्न योजना के अंतर्गत हितलाभ भी वितरित किए। साथ ही श्रीमती शारदा बघेल के पति की कर्ज से मृत्यु होने पर श्रीमती बघेल को आर्थिक सहायता के रूप में 4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, सांसद श्रीमती संध्या राय, विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा व अमरीश शर्मा ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कामना भदौरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा विशाल जनसमूह ने सहभागिता की। इंडिया न्यूज 28 के लिए कैमरामैन मुस्कान के साथ दिलीप सिंह सेंगर, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट।
मैं कहा कि मुझे कुछ मदद करो और मैं आज यहीं से घोषणा करता हूँ कि चार लाख रुपया यहाँ